अस्सलामुअलैकुम सजनों, तो मेरे मित्रों तो चलिए, कैसे हो, खैरियत का तमाम सो भी से होंगे। ठीक हो ना यार, पिछले दौर में ना माए अपने बच्चों को ना कहानियां सुनाती होती थी कि तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें किस तरह से पाला है जी, कहाँ कहाँ मजदूरियाँ की है, कहाँ कहाँ धूप में धक्के खाए हैं जी, किस किस की बातें सुनी है, कितने कितने घंटे काम किया है जी, पाए पाए पाए। पर आने वाले दौर में जो टिकटॉकर्स के वालिद साहब होंगे ना, वो अपने बच्चों को बताएंगे कि तुम्हारी माँ ने कहाँ कहाँ ठोंके नहीं लगाए तुम्हें पालने के लिए। वो अपने बच्चों को बताएंगे तुम्हें पालने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं नाची, कभी पाकिस्तान में, कभी दुबई जाके, कभी रील्स पे नाची, नाच नाच के पैसा इकट्ठा किया और उस पैसों से तुम्हें पढ़ाया है। तुम्हें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए पुत्र। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। वैसे हमारे मुआशरे की भी ना एक अलग ही सोच है। क्यों, क्या हुई? नरगस अगर पैसे लेके स्टेज पे डांस करे तो वो मुजरा हो जाता है, और अगर टिकटॉकर्स पैसे लेके किसी रील में डांस करे तो वो सिंपल डांस है। नाच करो, नाच वो भी रही है, नाच ये भी रही है जी। वो नाच के मुजरा करने वाले बन जाती है और ये नाच के टिकटॉकर। वेल डन, वेल वेल डन। अगर नाच रहे हैं तो तो भी तेरी कॉल्स इन स्टंट्स इन द मिक्स इन द मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, ये वीडियो है टिकटॉकर्स के किसी जमाने में जब बच्चे पैदा होंगे ना उनके लिए। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि उनके वालदैन ने उन्हें पालने के लिए कहाँ कहाँ ठुके नहीं लगाए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनके वालदैन ने, उनकी माओ ने एक साबुन बेचने के लिए इतने ठुमके लगाए थे ना कि सोच है आप। अब ये चेक करो, लेमन मैक्स लॉन्ग बार के वाह वाह लॉन्ग बार म्यूजिक पे हुक स्टेप करें और टैग करें लेमन मैक्स को। इसके साथ साथ हमारे हैशटैग यूज करना मत भूलेगा जो कि है वाह वाह लॉन्ग बार, और आप लोग जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। अब आप लोग भी करेंगे ओए वाह 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 ओए। सबसे ज्यादा जो टका के डांस किया है ना, वो किया है इस कुड़ी ने। मैं कहता हूँ लेमन मैक्स ने जो पैसे दिए थे ना उसको हलाल कर दिया, ऐसे टका टका के ठुमके लगाए है ना, सिर्फ इसकी वजह से 312 साबुन ज्यादा बिके हैं उनके। हालांकि पिछले दिनों ना बाजी के सर में ना जुए रिंग रही थी, और बनता इनका ये है कि ये किसी शैम्पू की मशहूरी करें, किसी जुओं वाले शैम्पू की या सादे शैम्पू की मशहूरी करें। चलो कम से कम इनके पास कोई शैम्पू तो आएगा ना, उससे अपने बाल छाल धोएं, कोई जुए छुए कम हो। सही पकड़े हैं। पर ये तो बर्तनों वाले साबुन की मशहूरी कर रही है। एक वक्त होता था जब ना कहते थे कि लड़कियों को ना इस तरह खुले बालों के साथ ना छत पे नहीं जाना चाहिए, 100 लोगों की निगाहें पड़ती हैं यार। पर मिनाल मैंने कह रही है कि नजरों की ऐसी थी तैसी, वो तो छत पे चढ़ के डांस कर रही है। और इसके बाद इसे चेक करो, जितना वो पिछली बारी ने टका के डांस किया था इसने उतना ही बसुरा किया है। मेहंदी के किसी फंक्शन में बहुत ही ज्यादा कम पैसों में किसी ने खुसरे बुक किए हो ना, तो इस तरह के बीमार खुसरे वहां पे भेजते हैं वो, जिनकी हल्की हल्की थी दाढ़ी भी निकली होती है और ताजा ताजा ड्रिप लगवा के वापस आए होते हैं। वो बेचारी नाच तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं पैंपर गंदा कीता होया कि कहीं नीचे ही ना कुछ गिर जाए। वो बेचारी नाच तो ऐसे रही है जैसे सलवार की एक ही पोंछे में दोनों पैर फंसा लिए हो। थोड़ा गोल के नाच तेनू लगता पैसे पूरे नहीं मिले। अरीका बाजी, अगर नाचना ही है तो कोई सीढ़ियों से साइड पे होके कोई स्पेशल जगह बनवाओ ना घर में, कोई नाचने के लिए सीढ़ियों के पास खड़े होके वहाँ पे डांस कर रही हो, ये ना हो सीढ़ियों से नीचे जा पड़ो और लेमन मैक्स से जितने पैसे मिले हो सारे अपने ऊपर लग जाए। इस साइड पे वो पौधा पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे वो सीढ़ियां हैं, पाया की जगह है वहाँ पे डांस कर रही है। वैसे अगर गौर करें ना तो पूरे साबन जितनी अरीका हक की हाइट है। वैसे रीका हक के ना टिकटॉक पे आने के बाद ना नैन नक्श भी काफी अच्छे हो गए हैं और आवाज भी पहले से बेहतर हो गई है। पहले तो ये करती होती थी हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। इसने तो आते हुए ना जूती उतारी हुई थी, मैं तो समझा पता नहीं यहाँ पे झन झनाचन झटक झटक पे डांस होगा, पर वो बेचारी तो इस तरह से नाच रही है जैसे छोटी बहन की शर्ट पहन ली हो, बाजू ही नहीं उसके खुल रहे, और वो इतना पुड़की है उसने पुड़क पुड़क के सारा साबन ही तोड़ दिया है। किडे किडे ताड़े दांदा साबन नु ना किते चक्की मार लियो। हाय एवरीवन,
एवरीवन, अब आप लोग भी लेमन मैक्स लॉन्ग बार के साथ वावा लॉन्ग बार म्यूजिक पर हुक स्टेप करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें। यूज द हैशटैग वावा लॉन्ग बार एंड टैग लेमन मैक्स और पाए मौका जीतने का। बहुत माशकड़ी जाए, दोजक मिर्चा भी आई है। वो लेमन मैक्स की मशहूरी करते करते ना दोजक बाजी ने बहाने बहाने से अपने जूते भी दिखा दिए। अच्छा, इन सभी ने खुद डांस किया ही किया है, बाकी सब टिकटॉकर्स को भी दावत दे रहे हैं कि आप भी इस गाने पे टिकटॉक बनाएं और बगैरत बन जाएं। हमने तो पैसे लिए हैं, आप फ्री में बन जाएं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट बन जाएं। ये क्या भाई, इधर इसकी सिस्टर ने भी इसी तरह का पजामा पहना हुआ है, इधर इसने भी उसी तरह का पजामा पहना हुआ है। ये घर में क्या इनका कोई यूनिफॉर्म चलता है? उसी तरह के शूज इसने पहने हुए हैं, उसी तरह के शूज इसने पहने हुए हैं। और डांस इस बेचारी ने भी पूरा पूरा ही किया है। वैसे उस बेचारी की जितनी की सेहत है ना, उसके हिसाब से इतना ही डांस बनता है। ज्यादा कहीं उसने डांस कर लिया ना, उसको वैसे ही कड़ा लपाया जानी। डांस के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो वो सारे नंबर मनाहिर मेले की ले गई। ये बाजी लेमन मैक्स की मशहूरी करते हुए दांत इतने निकाल रही है, मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं लेमन मैक्स की मशहूरी है या पता नहीं डंटोने की मशहूरी है। नहीं मतलब इतने दांत निकालने की क्या जरूरत थी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, होते एक से ही हैं। वो लड़कियां तो चलो हो गई, टिकटॉकर बॉयज ने भी इस साबुन को बेचने के लिए अपने ठुमकों का भरपूर हिस्सा डाला है। हालांकि सारों को चेक करो, ये खुद जरा सीम लगते हैं और ये खुद ही साबुन बेच रहे हैं। कैसा चोर की दाढ़ी में लेमन मैक्स यार। जितना इन सभी ने मिलके डांस किया है ना यार, आप सभी की मेहरबानी, एक आध ना एक एक दफा ना कोई लेमन मैक्स खरीद लेना, इनके ठुमकों की लाज रख लेना तुम सब लोग भी। हालांकि देखा जाए बर्तन धोने वाला साबुन है, और इनमें से किसी एक ने भी एक ग्लास भी नहीं धो के दिखाया। और लेमन मैक्स वालों ने भी यही सोचा होगा, यार मोचियों से लोहारों का काम नहीं होगा, इनसे बर्तन शर्तन नहीं धो होंगे, इन्हें सिर्फ नचाओ। और उन्होंने सिर्फ वही किया। दसो यार, फिर कहते बूटा गाला कटदा, और की करे हो तो सजरो तो मिली मित्रो तो से लियो। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है शदीदन ये वीडियो आपको ना लाजमी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, कमेंट करके भी लाजमी बता रहा, दूसरे यार बहुत तसीले के साथ लाजमी शेयर करना। डेली व्लॉगर्स के आजकल हम पीछे पड़े हुए हैं, उन पे तो वीडियोस आ रही है, ये भी टॉपिक था। मैंने कहा चलो इस पे भी वीडियो बना दे। इस पे हो गई है वीडियो डन, तो नीचे कमेंट करके लास्ट में बताना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आजकल बहुत ही मजे मजे की वीडियो यहाँ पे आ रही है। शुक्रिया मोहब्बत का, चाहते आप तो का शुक्रिया प्यार का, इजहार के किरार का, आपका आपके घर बार का। ये आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाओ पाओ पाओ, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, सब पावांगे। पाओ 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 पाओ।